बचाओ 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 बचाओ। मंजरी, और कितने दिन? इस नरबलि यज्ञ को पूरा करने के बाद ही तुम्हें तुम्हारी मनचाही शक्तियाँ मिलेंगी। बचाओ बचाओ। वही कर रही हूँ मैं तांत्रिक। अगर मैं और 9 लोगों की बलि दे दूँ तो मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। बचाओ बचाओ बचाओ। ए, हुश, खामोश। ये हिंदपुर नामक एक गांव है। उस गांव से सटे 3 अन्य गांव हैं। उस समय गांव के बुजुर्गों ने 4 गांवों के अंत में दक्षिण की ओर एक कब्र की व्यवस्था की थी। कुछ समय बाद उस इलाके में बाढ़ आई और उत्तर के सारे खेत बह गए। वहां का पूरा इलाका एक बड़ी नदी बन गया। पूर्व और पश्चिम की तरफ घने जंगलों और पहाड़ियों के स्थित होने के कारण दक्षिण का रास्ता ही उस गांव के लिए मुख्य रास्ता बन गया। तब से इन 4 गांव के लोगों के लिए गांव में आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। वो रास्ता भी कब्रिस्तान से सटा हुआ था। गांव के लोग डर डर कर उस रास्ते से आते जाते थे। उस कब्रिस्तान के रास्ते के बीच एक भयानक बरगद का पेड़ था। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन अंधेरा होने पर कभी कभी लोग गायब हो जाते थे। ये जानकर गांव के मुखिया ने यह ढिंढोरा पिटवाया कि रात को उस रास्ते से कोई भी प्रवेश नहीं करेगा और ना ही कोई बाहर जाएगा। लेकिन फिर भी जानकारी ना होने से और लापरवाही से जानबूझकर कुछ लोग अंधेरा होने के बाद उस रास्ते पर जाकर बाहर जाते थे। मैं वो परछाई हूँ जो साथ ना छोड़े। मैं वो परछाई हूँ जो साथ न छोड़े। बचाओ 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 बचाओ। जबकि यह ऐसा था, कुछ साल पहले 2 दोस्त रामू और श्याम काम से पड़ोस गांव जाकर वापस आ रहे थे। अरे श्यामू, पहले तो इस रास्ते से आने से बहुत डरते थे, लेकिन अब पूरा गांव बदला हुआ सा लगता है। शांति और सुकून है ना? हाँ रामू, तुम्हारा कहना सच है। चलो चलो, जल्दी गांव चलते हैं। मेरे द्वारा खरीदे गए खिलौने को देखकर मेरी सलोनी बहुत खुश होगी। ये सोचकर दोनों गांव जा रहे हैं। सूर्यास्त हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, चारों ओर भयानक था और उस दिन तो पूर्णिमा थी। इन सबको नजरअंदाज करते हुए दोनों उस कब्रिस्तान वाली सड़क की तरफ चल रहे थे। दोनों उस कब्रिस्तान वाली सड़क की तरफ चल रहे हैं, बातें करते हुए जा रहे हैं। इतने में घुंघरू की आवाज और हंसी सुनाई देती है। पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। थोड़ा आगे जाने पर रास्ते के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़, उन पेड़ों पर बहुत से लोग फांसी के फंदे से लटकते हुए बचाओ 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 बचाओ। फिर कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद कई लोग रस्सियों से पेड़ से लटके दिखाई पड़े। बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए और फिर तुरंत गायब हो रहे हैं। बचाओ बचाओ बचाओ। उनकी चीखें बहुत भयानक थी। उन दोनों ने यह सब देखकर पीछे मुड़कर भागने की सोची। जैसे ही पीछे मुड़े तो बेताल मंजरी खड़ी थी। मिल गया मिल गया, बलि के लिए नर मिल गया। बचाओ 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 बचाओ। वहाँ जो कुछ भी हुआ उसे देखकर डर से रामू दौड़ते हुए गांव के अंदर भाग गया। बचाओ 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 बचाओ।
खामोश। इसे मिलाकर पूरे 92 नर अपने लक्ष्य को प्राप्त करो और इस दुनिया पर राज करो। रामू बेताल मंजरी से बचकर दौड़ते दौड़ते गांव के बीचों बीच आकर बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ ग्रामीण आए, उसके चेहरे पर पानी छिड़क कर उसे जगाया। होश में आकर रामू चारों गांवों के मुखिया यादव को सब कुछ बताकर, वो जादूगरनी कौन थी, आखिर हमारे गांव को क्या हुआ, श्याम को वो जादूगरनी उठाकर ले गई। देखो रामू, रात के समय जो भी उस रास्ते से गया वापस नहीं आया। मुझे नहीं पता कि वास्तव में क्या हो रहा है। आप लोगों को ये बातें बहुत छोटी लगती है, लेकिन रात के कारण ही वो जादूगरनी उसे ले गई। यादव सिंह जी, जिस गांव में हम काम पर गए थे उस गांव में महिपत नामक एक उपासक है, उनसे हमें इस समस्या का उपाय मिल सकता है। हाँ, हम बहुत दिनों से इस समस्या का उपाय ढूंढ रहे हैं। चलो चलते हैं, महिपत उपासक शायद हमारी कोई मदद करे। यादव सिंह और रामू उस गुफा में जाते हैं जहां महिपत उपासक तपस्या कर रहे थे, और देखा गुफा में पानी पर बैठे, अजीब मोतियों पर बैठे, लंबे बालों के साथ आंख बंद करके तपस्या कर रहे थे। उन्हें उनके आने का आभास हुआ। मैं आऊंगा, आप बाहर रहिए। यादव सिंह और रामू महिपत उपासक को सब कुछ बताते हैं। अमावस्या के पहले दिन उन्हें हिंदपुर लेकर आए। आज रात को हम सब उसी सड़क की ओर चलेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में क्या हुआ था। महिपत उपासक के साथ उन चार गांवों के मुखिया रात को उस सड़क पर पहुंचे। मैं जाकर देखता हूं, आप सब यहीं रुकिए। महिपत उपासक ने अकेले ही मन में अपने गुरु को प्रणाम किया और उस रास्ते पर आगे बढ़े। जबकि सब देख रहे हैं, लोग सब पेड़ों से रस्सियों से लटक रहे हैं, बचाओ बचाओ चिल्लाने की आवाज आ रही है। महिपत उपासक अपने हाथ से मंत्रित जल निकालने से पहले ही उपासक के सामने बेताल मंजरी प्रत्यक्ष होकर, तुम्हारा मंत्र जल मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कौन हो तुम, क्या चाहिए तुम्हें, तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हारा अंतकाल शुरू हो चुका है। बचाओ। खामोश, ये जाबे। पेड़ों से लटके हुए सभी लोग गायब हो गए। रामू, यादव सिंह और सभी ग्रामीण ये सब देखकर भाग जाते हैं। बेताल मंदिर के सामने तांत्रिक प्रत्यक्ष होकर, इसे मिलाकर 93 अपने लक्ष्य को प्राप्त करो और इस दुनिया पर राज करो। तुम्हारा अंतकाल आरंभ हुआ है, गुरुदेव रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में जंगल में तपस्या कर रहे ऋषि ने उन चीखों को सुनकर आंखें खोली। देवी दृष्टि से जो कुछ हुआ सब जानकर आंखें खोलकर गुस्से से उठकर अपने कमंडल को उठाकर, त्रिलोक दीपिका देविका आयुक्तम रम भ्रम हम, मंत्र का पाठ करते ही ऋषि वहां से और हिंदपुर में प्रकट हुए। उन्हें गांव में आता देखकर सभी लोग उन्हें आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। आसमान में बिजली चमक रही थी, उस बिजली की चमक से भूत और उस भूत ने ऋषि को प्रणाम किया। भूत और बेताल मंजरी दोनों का रूप एक जैसे दिखने के कारण सभी डरकर वहीं खड़े होकर देख रहे थे। लोहिता, ऐसा क्यों हुआ? स्वामी, वास्तव में जो हुआ था, माँ का नाम संजना है, पिता का नाम मुरलीधर। मैं अपने माता पिता की एक लौती संतान थी, लेकिन मेरी माँ को जुड़वा बच्चे पसंद थे। उसे हमेशा एक ही चिंता थी कि उसके जुड़वा बच्चे क्यों नहीं हुए।
एक दिन। देखिए जी, हमारे बच्चे में कितनी भक्ति है, सुबह जल्दी उठकर पूजा कर रही है। हाँ संजना, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें लोहिता जैसी बच्ची पैदा हुई। लेकिन लोहिता के साथ और एक बच्ची का जन्म होता तो और भी बहुत अच्छा होता जी। दाई ने तुम्हें लोहिता के जन्म के समय ही बताया था कि तुम्हारे और बच्चे होने की संभावना नहीं है, और अब चिंता करने से क्या फायदा, हम लोहिता का पालन पोषण अच्छे से करेंगे। दुखी होने के सिवा और मैं क्या ही कर सकती हूँ। लोहिता पूजा मंदिर में सब बातें सुनती है। लोहिता हमेशा पूजा पाठ और देवी उपासना में लीन रहती थी। एक दिन लोहिता गांव से दूर एक छोटे मंडप में जप करते समय गलती से उसके पल्लू में आग लग गई। उसके चारों ओर आग की लपटें। लेकिन लोहिता जप में इतनी लीन हो गई थी कि उसे कुछ भी पता नहीं चला। कुछ देर बाद अपने आप आग बुझ गई। लोहिता को कुछ नहीं हुआ। वहीं पर मौजूद एक ऋषि ने यह सब देखा। लोहिता के पास जाकर, बेटी तुम में कितनी भक्ति है, इतनी छोटी उम्र में किस चीज के लिए इतनी सारी पूजा पाठ और जप तप? जी मेरी माँ के लिए। माँ के लिए? हाँ स्वामी, मेरी माँ को जुड़वा बच्चे ना होने के कारण दुख है। मेरी माँ को मेरी जैसी और एक बच्ची चाहिए। मैं अपनी माँ की इच्छा पूरी करना चाहती हूँ स्वामी। ओह, ये सब माँ के लिए? ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए तुम्हें दिव्य जन्म विद्या सिखाऊंगा। मेरे साथ आओ। ठीक है स्वामी, मैं माँ और पिताजी को ये बताऊंगी। लोहिता ये सब अपने माता पिता को बताकर ऋषि के साथ जंगल में चली जाती है। ऋषि के साथ दिव्य जन्म विद्या सीखती है। लोहिता, अब तुम जब चाहो तब और एक व्यक्ति की सृष्टि कर सकती हो, लेकिन केवल एक बार। लेकिन बहुत ही सावधानी से इस विद्या का उपयोग करना चाहिए। शुभाशीष। लोहिता ने अपनी सीखी हुई दिव्य जन्म विद्या से बिल्कुल अपनी जैसी एक और लड़की की सृष्टि करके घर लेकर आई। माँ और पिताजी को सब कुछ बताने पर वे बहुत खुश हुए। माँ, छोटी बहन का नामकरण करो। बहन का नाम विजया। तुम्हें नाम पसंद है ना लोहिता? उस दिन से लोहिता ने अपनी माँ के लिए जो किया उसके लिए सब उसकी सराहना करते हैं। लोहिता हमेशा की तरह पूजा पाठ करती रहती थी। पूजा पाठ जब तब से लोहिता को जो दैवीय शक्ति प्राप्त हुई थी उससे वह बहुत सारे गांव वालों को रोगों से मुक्ति दिलाती थी। दिन बीतते गए, लोहिता की दैवीय शक्ति बढ़ती जा रही थी। गांव के सभी लोग लोहिता की प्रशंसा करते देख विजया को लोहिता पर ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध बढ़ता गया। उस गांव की पहाड़ी गुफाओं में रहने वाला एक दुष्ट बुद्धि वाला तांत्रिक वहां आकर, क्यों बेटी इतने गुस्से में क्यों हो? कौन हो तो? क्या तुम अपनी बहन लोहिता की तरह बनना चाहती हो? नहीं, मुझे और ज्यादा शक्तियाँ चाहिए। हर किसी को मेरी बात ही सुननी चाहिए। विजया, मेरी बात ध्यान से सुनो। लोहिता की दिव्य उपासना करने से उसकी इंद्रिय शक्ति बढ़ गई। जो कोई भी अमावस्या के दिन बेताल को इंद्रिय शक्ति वाले व्यक्ति की बलि देता है उसकी सारी शक्ति उनमें आ जाती है। उसके बाद मैं तुम्हें क्षुद्र विद्या सिखाऊंगा, तब तुम जो चाहे प्राप्त कर सकती हो। अच्छा स्वामी, ठीक है, मैं आपके कहे अनुसार ही काम करूंगी। तांत्रिक के बताए अनुसार विजया मंदिर में लोहिता के पास जाकर, दीदी। बोलो बहन। दीदी, मैं कल अमावस्या के दिन हमारे गांव से दूर बरगद के पेड़ के पीछे स्थित मंदिर में जाने की मन्नत मांगी हूँ, क्या तुम चलोगे मेरे साथ? ठीक है बहन। चूंकि अमावस्या का दिन था, लोहिता ने अपनी शक्ति से मंत्रित जल गांव के बाहरी इलाके में छिड़क कर अपनी आंखें बंद कर भगवान का स्मरण किया। स्वामी, कोई भी दुष्ट शक्तियां इस गांव को प्रवेश न कर पाए। लोहिता विजया के साथ अमावस्या की रात गांव का सरहद पार कर एक जगह के पास पहुंचते ही विजया ने अपने पेट में छिपाया हुआ चाकू निकाला और लोहिता को चाकू से वार कर मार। शाबाश विजया,
अपनी बहन की लाश को अपनी शक्ति से गायब कर दो। ठीक है तांत्रिक। विजय ने अपनी शक्ति से अपनी बड़ी बहन लोहिता को, उसने अपने माता पिता और गांव के सभी को ये बताकर यकीन दिलाया कि लोहिता तपस्या के लिए हिमालय गई थी। रोज आधी रात के बाद सभी के सो जाने के बाद विजया जंगल में स्थित तांत्रिक की गुफा में जाकर बेताल साधना करती थी। कुछ दिनों बाद तांत्रिक विजया को बेताल मंजरी में बदल दिया। विजया, तुम्हारी अंतिम परीक्षा। एक बार में 100 लोगों को मारना होगा। मरने से पहले उन्हें नरक का अनुभव होना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हें मौत नहीं आएगी, तुम्हारी शक्तियों का अंत नहीं है। विजया, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, इस दुनिया पर राज करो। उस दिन से विजया गांव के सरहद के पास जो भी रात के समय जाता है उन्हें गायब कर पेड़ पर रस्सी से लटका कर उन्हें बिना मारे यातनाएं देकर तांत्रिक के बताए अनुसार एक ही बार सबका बलि देने के लिए उसी पेड़ के पास किसी को भी बिना दिखे गुप्त रूप से उन्हें रखती थी। मेरे मंत्र शक्ति के कारण वो गांव में प्रवेश नहीं कर सकती। उसका अंत करने के लिए मेरे प्राण तो नहीं है। अब आप ही कोई रास्ता बताइए स्वामी। लोहिता, क्या तुम भूल गई हो? मंत्र शक्ति आत्मा के लिए है, शरीर के लिए नहीं। मेरा सिखाया हुआ महाउग्र विद्या का उपयोग करने का समय आ गया है। दिखाओ तुम्हारा उग्र रूप, भूत का उग्र रूप। लोहिता मंत्र पढ़ते हुए 20 फुट लंबा बड़े भूत में बदल गई। मंत्र पढ़ते हुए जमीन के अंदर से धुआं निकालती है। उस मायावी धुएं की शक्ति से तांत्रिक और बेताल मंजरी को वहां पर बुलाकर ललिता भूत ने अपने बाएं पैर से बेताल मंजरी को रौंद कर रखा। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, माफ कर दो, छोड़ दो मुझे, मत मारो, मत मारो मुझे। सभी ग्रामीण अपने अपने घरों से बाहर आकर उस उग्र रूप में लोहिता भूत को देखकर, लोहिता बेटी उसे मार डालो, लोहिता बेटी उसे मार डालो, लोहिता बेटी उसे मार डालो, भूत जोर जोर से चिल्लाते हुए विजय बेताल मंजरी को रौंद कर मार डाला। भूत आंखें बड़ी करके तांत्रिक की तरफ देखते ही तांत्रिक डरकर भागने की कोशिश करता है। भूत तांत्रिक को हवा में उठाकर पेड़ से लटके हुए लोगों की फांसी की रस्सियां गायब होकर सब नीचे गिर जाते हैं। उठकर वापस गांव वालों के बीच आते हैं, उग्र रूप में स्थित उस भूत को नमन करते हैं। कुछ लोग घरों से फूल लेकर दौड़कर आते हैं और भूत पर फूल फेंकते हैं। इस तरह लोहिता भूत भी गायब होकर बड़ी कांति में बदलकर आकाश में चली जाती है। इस जीवन में कर्म अनुरूप ही हम पुण्य और पाप अर्जित करते हैं। जो ज्यादा पुण्य कमाते हैं उन पर ऐसे दुष्ट बुद्धि वाले तांत्रिक अपनी अनेक तंत्र विद्या का उपयोग कर उन्हें मारकर संसार का विनाश करना चाहते हैं। इसी तरह ये तांत्रिक भी दोनों बहनों को मारकर संसार का विनाश करने वाला दुष्ट शक्ति प्राप्त करना चाहता था, लेकिन हमारे अच्छे कर्मों की वजह से वैसा नहीं हो पाया है। बिना परिश्रम किए कुछ भी प्राप्त करने की लालसा रखने वाले दुष्ट बुद्धि वाले लोग इस तांत्रिक की तरह ही विनाश को प्राप्त होते हैं। सावधान, सावधान।